दीपावली का त्यौहार आते ही बाजार दुल्हन की तरह सज जाती है। घर की सजा सजाव के कई सामानों आम व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। बाजार में हर प्रकार की लुकझुक करती लाइट और दिए की जमकर खरीदारी होती है। पहले तो दीपावली पर पारंपरिक मिट्टी की लगाए जाते थे, परंतु आज समय के बदलते हुए फैशनेबल दिए का चलन आ चुका है। दीपावली को लेकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। बाजार में हर तरह की लावा लड्डू मिठाई के साथ साथ मिट्टी के दिए और कुल्हिया चुकिया की लोगों में जमकर खरीदारी होती है। इस बार रेडीमेड घरौंदे की भी खरीदारी अच्छी खासी देखी जा रही है। वहीं पटाखों की भी खरीदारी जोरों शोरों पर बिक्री हो रही है। आइए चलते हैं बक्सर के बाजारों में, दुकानदार और लोगों में खरीदारी को लेकर क्या माहौल देखने को मिल रहा है। पहले से तो भैया क्रेज कम हुआ है, लेकिन क्या करें, मिला जुला के सब उसको देना पड़ता है। क्या अब पिछले साल के अपेक्षा इस साल बिक्री भी डाउन है? हाँ, पिछले साल से तो डाउन है। जहाँ 60 रुपया बेचते थे, आज 50 रुपया हो गया। ये दिया आप बनाते हैं कि लाते हैं खरीद कर? हम लोग भी खरीद के लाते हैं, 5 रुपया 10 रुपया में बेचते हैं। क्या नाम पड़ेगा अपना? राजकिशोर प्रजापति। पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या बिक्री पटाखा का कम है कि वो सही है? इससे अच्छी चल रही है बिक्री, अगले साल की अपेक्षा अच्छी चल रही है। ये माल कहाँ से लाते हैं आप लोग? पटना से। में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, वैसे ही है। अभी क्या क्या पटाखा में रेंज में रखे हैं आप लोग? फुलझड़ी है, अनार है, गुड़िया बम है, लाइटर है, बुलेट है, रॉकेट है। क्या लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है आपको? नहीं, हाँ किया गया, नहीं है, आज बोल रहे हैं कि आज मिल जाए। क्या क्या रखे हैं आप लोग इसको, इसके लिए जो कि हायर रखे हैं? बालू रखे हैं, पानी रखे हैं। क्या नाम पड़ेगा अपना? राजू। नाम तो कोई तो ना हो। पांच साल की अपेक्षा इस साल क्या बिक्री चल रहा है आप लोग? ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेट ऊपर कम बेसी हुआ है? नहीं, रेट वही है। अब शाम मैंने 2 बजे के बाद हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है। तो क्या लग नहीं रहा है कि इस साल महंगाई को लेकर कुछ कमी होगा? ना जी, देखिए पूजा करे वाला आदमी महंगा सस्ता की बात नहीं, पूजा करबे करिए। जी, परिचय आपका? राजेंद्र गुप्ता, गोला बाजार। जो मिट्टी का बर्तन लाते हैं कहाँ से लाते हैं? अपने से बनाते हैं भैया। क्या बक्सर भी बनाते हैं आप? जी, बक्सर सोनीपत। क्या पहले से क्या डाउन भी हुआ क्या इसका बिक्री? डाउन तो नहीं हुआ है, अच्छा ही है, पहले ही जैसा है। क्या क्या किस रेट से बेचते हैं आप लोग? हाथी है, घोड़ा है, शेर है, चूहा है, बत्तख है, माला है, चूल्हा है, यही सब बिकता है, दिया दियरी है। क्या नाम पड़ेगा अपना? चंदन कुमार। ओ,
क्या पटाखे का पर्सल से बिक्री इस साल कम है कि वैसे ही है? ठीक ही है, थोड़ा कम है। ये पटाखा कहाँ से लाते हैं आप लोग? हम लोग लाते हैं यहीं से, आप अक्सर से ही लाते हैं। अभी क्या क्या इसमें वैरायटी रखे हैं आप लोग? सब कुछ है, जैसे में कुछ अनार बम है, गुजरी है, लाइट है, और क्या बोलते हैं, चट्टी है, चटाई है, राकेट है, ये सारे इंडियन पटाखे हैं। हाँ, चाइनीज नहीं बेचते। ये आपका नाम? राजेश कुमार। गणेश की मूर्ति कहाँ से लाते हैं आप लोग? क्या आप पिछले साल के अपेक्षा इस साल बिक्री में कुछ बढ़ोतरी बढ़ोतरी पिछले साल के अपेक्षा इस साल भी वैसा ही है? मूर्तियाँ का रेंज क्या होता है? 20 रुपये से लेकर 300 रुपये, 400 रुपये। कितने पीस लाते हैं आप लोग मूर्ति बेचने के लिए? 500 पीस बेच देते हैं आप लोग? बेच देते हैं आप लोग? है। आपका नाम क्या पड़ेगा? क्या पिछले साल की अपेक्षा इस साल बिक्री डाउन है कि वैसे ही है? अच्छा, सेल डाउन नहीं हुआ। क्या क्या वैरायटी रखते हैं इसमें आप लोग? फुलझड़ी वगैरह, लाइट वगैरह रखते हैं। क्या नाम पड़ेगा अपना? मेरा नाम सोनू पड़ेगा। खत्म हो गया। दूसरा एक जहाज है, देखिए ये जहाज बचा हुआ है। दो जहाज है, दो पीस देखिए, जो लेना है। और कुछ है? 150, कोई भी लीजिए 150। ना एक पीस ना पड़ी, ना पड़ी।